तक हम लोगों को ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग जो है सो सभी सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगभग छानबीन चल रही है और अंतिम दौर में है, और हम समझते हैं कि 2 से 3 दिन में पूरा सूची हम लोग हाईकमांड को सौंप देंगे, और जब सौंप देंगे तो वहां से जो फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। बिहार विधान परिषद के चुनाव का ऐलान हो गया है, कुल 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके बाद से सभी पार्टियां जो है जोर तरीके से तैयारी में जुट चुकी है। बात की जाए महागठबंधन से अलग होकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मुलाकात के बाद यह माना जा रहा था कि हो सके तो फिर से एक बार महागठबंधन में बात बन सकती है। लेकिन इन सब से परे समीर सिंह ने, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 8 सीटों पर नाम तय हो गया है और भी जो सीटें हैं उन पर 2-3 दिन में घोषणा कर दी जाएगी। तो बिल्कुल इस तरीके से साफ हो गया है कि जो कांग्रेस जो है कुल 24 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है राहुल गांधी के मुलाकात के बाद भी, कि हमें कहा गया है कि आप लोग अपनी तैयारी जो है वो पूरी तरीके से 24 सीटों पर रखें। तो कुल मिला के यह साफ हो गया है कि जो 24 सीटों पर ही चुनाव लड़ने वाली है कांग्रेस। क्या कुछ कह रहे हैं समीर सिंह, सुनवाते हैं आपको। हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि 8 सीटों के बारे में तय है, एक ही साथ हो जाएगा। हमको लगता है 2 से 3 दिन में हो जाना चाहिए। कितने सीटों पर तैयारी है? सभी सीटों। लेकिन आरजेडी के लोग का कहना है कि अब राहुल जी से मिलने हैं, तेजस्वी जी आप लोग मैदान से हट जाइएगा। ठीक है, राहुल जी तो हमारे सर्वोपरि हैं, हमारे नेता हैं। राहुल जी किसी भी स्थिति में कुछ भी कहेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग जो है सो सभी सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगभग छानबीन चल रही है और अंतिम दौर में है, और हम समझते हैं कि 2 से 3 दिन में पूरा सूची हम लोग हाईकमांड को सौंप देंगे, और जब सौंप देंगे तो वहाँ से जो फैसला होगा उसको हम लोग मानेंगे। आला कमान का क्या निर्देश अभी तक? आला कमान तो हम लोग को सब सीटों पर लड़ने की का निर्देश दिया था और हम लोगों ने तैयारी भी किया है। अब आला कमान फैसला लेगी कि क्या क्या बात हुई है तेजस्वी जी की, हम लोगों को पता नहीं। लेकिन जब तक राहुल जी का निर्देश हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम लोग सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मोर्चा मैदान में डटे रहेंगे? नहीं, मोर्चा नहीं, ये तो हमारी जवाबदेही बनती है, प्रदेश नेतृत्व की जवाबदेही बनती है कि सभी सीटों पर तैयारी करें। कौन सीट किसके साथ जाएगा ये तो अगर समझौता होता है तो भी, नहीं होता है तो सभी सीट पर हम तैयार हैं। धन्यवाद। समीर सिंह का साफ तौर पर कहना है कि हमें ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है, हम 24 सीटों पर लड़ने वाले हैं, पूरी तरीके से तैयारी है। जो नाम है उनको आलाकमान को कुछ दिन में भेज दिए जाएंगे, उसके बाद घोषणा कर दी जाएगी। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।